ही दिनों में नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। इस पर्व के नियम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि उन्हें इस पर्व के दौरान क्या करना चाहिए जिसे उन पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और उन्हें माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति भी हो। इसके साथ ही लोगों के मन में इस बात का भी डर बना होता है कि कहीं जाने अनजाने में हमसे वो गलती ना हो जाए जिसकी वजह से माँ दुर्गा हमसे नाराज हो जाए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ज्योतिषियों के अनुसार माँ दुर्गा के इस पावन पर्व नवरात्रि को करने के समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ हमसे नाराज ना हो। व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस दौरान अपने दाढ़ी मूछ या बाल कटवाते हैं तो देवी रुष्ट हो जाती है और श्राप दे देती है। इसी के साथ ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपको आगे जाकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह इन 9 दिनों तक नाखूनों को भी नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर ना जाएं और यदि किसी कारणवश आपको कहीं जाना भी पड़े तो घर में किसी न किसी का होना जरूरी है। खाने में प्याज लहसुन और नॉन वेज ना खाएं क्योंकि यह तामसिक प्रकृति का भोजन पदार्थ है। इसके सेवन से अज्ञानता और वासना में बढ़ोतरी होती है। साथ ही मान्यता यह भी है कि लहसुन और प्याज जमीन के नीचे उगते हैं और इनकी सफाई में कई सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में इन्हें उपवास या शुभ कार्य के दौरान खाना शुभ नहीं माना गया है। 9 दिनों तक व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक सुबह जल्दी स्नान करें और साफ कपड़े पहने। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े से बनी चीजें जैसे बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में नींबू को काटना भी अशुभ माना जाता है। ये विशेष रूप से 9 दिनों के लिए उपवास रखने वाले लोगों के लिए है। आप नींबू का रस बाहर से खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नींबू घर पर नहीं काट सकते। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा काफ़ी कम होती है तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करना चाहिए। वहीं अनाज में गेहूं, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन, रागी और बाजरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सुबह सूर्योदय के बाद दोपहर में सूर्यास्त के समय सोने से बचना चाहिए। गलत समय पर सोने से मोटापा बढ़ता है, आलस्य बना रहता है, पूजा करते समय भी एकाग्रता नहीं बन पाती है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 40 मंत्र या सप्त सती पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती बिल्कुल न करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है, ये चीजें तामसिक प्रकृति का भोजन पदार्थ है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है क्योंकि इससे आपका मन विचलित होगा और आप सही ढंग से व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। मन और विचारों में पवित्रता बनाए रखें ताकि आपका पूरा मन माँ दुर्गा की आराधना और पूजा पाठ में लगा रहे। मांस मंदिरा का सेवन न करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें मांस मंदिरा के सेवन से बचना चाहिए। 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार भोजन करना चाहिए। कन्याओं का दिल न दुखाएं। कभी भी किसी भी कन्या को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। नवरात्रि में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप 9 दिनों तक किसी भी कन्या का दिल न दुखाएं। आइए अब हम जानते हैं कि ज्योतिषियों के अनुसार हमें नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए जिससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। 9 दिनों तक रखे उपवास। सच्चे मन और पूरे भक्ति भाव से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्मरण का व्रत रखें। यदि सारे व्रत रखने की शक्ति ना हो तो पहले 4थे और 8वें दिन का उपवास अवश्य रखें। ऐसा करने से आपको माँ भगवती की विशेष कृपा होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। वहीं अगर किसी के पास कम समय है तो वे दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ लेने के लिए सबसे पहले कवच, किलक व अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद कुंजिका स्रोत का पाठ कर लें।
पूजा के लिए लाल रंग के आसन का इस्तेमाल करें। पूजा करते वक्त लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और यह ध्यान रखें कि वह लाल रंग का कपड़ा ऊनी हो। पूजा के समय लाल रंग का वस्त्र पहनें। पूजा करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहनें। लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, रोली का तिलक भी जरूर लगाएं। दरअसल लाल रंग के कपड़े पहनने से आपको विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। शहद मिलाकर माँ को दूध अर्पित करें। माँ दुर्गा को सुबह उठकर स्नान करने के बाद दूध में शहद मिलाकर माँ को अर्पित करें। पूजा के स्थान के पास इसे रख दें और फिर उसे ग्रहण करने से आपको बल की प्राप्ति होगी। कन्याओं का पूजन करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर नौ कन्याओं का पूजन करने का विशेष फल मिलता है। इन नौ कन्याओं को माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों के समान माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को दक्षिण दिशा की ओर बिठाएं। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।